हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो पहले देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क में इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर देखेंगे, फिर कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क देखेंगे, है ना, कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं। एक तो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, तो दोनों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में क्या है? कनेक्टिंग टू एंड मोर डिवाइसेस और कंप्यूटर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। दो या दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क ऑल्सो कॉल्ड डेटा नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क को हम डेटा नेटवर्क भी बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कॉम्बिनेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब जो फर्स्ट नेटवर्क आया था ना, जो फर्स्ट नेटवर्क इंटरनेट नेटवर्क आया था, उसका नाम था आर्पानेट, है ना। आर्पानेट नाम था, उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, है ना। उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आर्पानेट बेस्ड ऑन द पैकेट स्विचिंग कंप्यूटर नेटवर्क बाय अमेरिकन 1969। जो है आर्पानेट जो है पैकेट स्विचिंग बेस पे काम करता है। पैकेट स्विचिंग आप जानते हैं, छोटे पैकेट्स को सेंड करने के लिए काम आता है। जो पैकेट स्विचिंग होता है वो छोटे पैकेट्स, छोटे डेटा को सेंड करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए हम पैकेट स्विचिंग का यूज करते हैं। तो आर्पानेट जो आया था वो सबसे पहले उसने जो है पैकेट स्विचिंग से अपना डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया गया था। देन वही बात करें, सर्वर क्या होता है? इट इज ए कंप्यूटर सिस्टम। सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर सिस्टम होता है एंड स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन एंड शेयर द इंफॉर्मेशन थ्रू ए नेटवर्क, है ना। सर्वर क्या होता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो डेटा को स्टोर करता है और डेटा को शेयर करता है ना, थ्रू इंटरनेट, थ्रू नेटवर्क। देन वही देखते हैं, क्लाइंट क्या होता है? इट इज द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब क्लाइंट भी जो है एक तरीके का कंप्यूटर सिस्टम है। वेयर एक्सेस द इंफॉर्मेशन थ्रू नेटवर्क। जो हम इंफॉर्मेशन को जहां से हम एक्सेस कर सकते हैं ना, उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। जैसा कि मैं हूँ, मैं एक क्लाइंट हूँ। मैं अगर इंटरनेट से इंटरनेट कनेक्ट करके लैपटॉप चला रहा हूँ तो मैं एक क्लाइंट हूँ। देन वही बात करें, नोड क्या होता है? सेंडर और रिसीवर। अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई सेंड कर रहा है या रिसीव कर रहा है तो उन दोनों को ही हम नोड बोल सकते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क की, है ना। कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क की बात करेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ नेटवर्क में क्या होता है कि सेंड और रिसीव, सेंडिंग डेटा और रिसीविंग डेटा इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन, है ना। अगर हम डेटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, है ना। अब कम्युनिकेशन कैसे काम करता है? जैसे ये सेंडर ने मैसेज सेंड किया, है ना, और रिसीवर के पास पहुंच गया, तो कम्युनिकेशन जो है इस वायर के थ्रू हुआ, तो इसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब देखते हैं कम्युनिकेशन कितने तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया कितने तरीके के होते हैं। मेनली दो तरीके के कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। दो तरीके के जो है हमारे ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, एक वायर्ड होता है, एक वायरलेस होता है। वायर्ड के बारे में पहले हम देखेंगे कि वायर्ड में किस किस तरीके के वायर्ड कम्युनिकेशन मीडिया होती हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है कि ये सबसे पुराना मीडिया है, बहुत पुराना, 90s 90 में हम इसको यूज करते थे। इसमें क्या होता था? टू कॉपर ट्विस्टेड ईच अदर, है ना। दो कॉपर वायर जो है एक दूसरे से ट्विस्टेड होते थे, है ना। आपस में जो है दो वायर एक दूसरे में ट्विस्टेड होते थे, तो इस टाइप के जो वायर होते थे वो ट्विस्टेड पेयर केबल कहलाते थे। ट्विस्टेड पेयर केबल थिकनेस जो है 22 गेज टू 24 गेज, है ना। हम तार तार की जो मोटाई होती है उसको हम गेज में नापते हैं, तो इसकी जो थिकनेस होती थी वो 22 से लेकर के 24 गेज तक होती थी। देन वही दूसरे केबल की बात करें तो कोएक्सियल केबल, है ना। कोएक्सियल केबल किस तरीके की होती थी? ये हार्ड कॉपर वायर होती है, बहुत हार्ड होती है ना, पूरा सॉलिड टाइप की इसमें वायर होती है। ये देखिए, इसमें सॉलिड तरीके की वायर होती है। इट इज कवर्ड बाय द पीवीसी प्लास्टिक, है ना। पीवीसी प्लास्टिक से ये कवर्ड होते हैं, है ना, और जो एक्सटर्नल अटैक ना हो सके, कट ना सके, चाकू से हम उसको काट ना सके, इस तरीके के जो अटैक होते हैं, एक्सटर्नली अटैक होते हैं, तो उस प्लास्टिक को काट ना सके, तो उस तरीके से ये जो कोएक्सियल केबल कवर्ड होता है। इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय द कॉपर जाली, है ना, और एक कॉपर जाली भी इसके अंदर लगी हुई होती है ना। इट इज मेनली यूज फॉर द टीवी ट्रांसमिशन फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे कि हम डिश टीवी चलाते हैं या कोई टीवी एंटीना हमने लगा रखा है अपने घरों में,
तो उस तरीके के कम्युनिकेशन को चलाने के लिए हम जो है कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम लैन टेक्नोलॉजी, जो हम लैन कनेक्शन बनाते हैं अपने ऑफिस में, अपने घर में, तो उसमें भी हम कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो ट्विस्टेड पेयर से हाई होती है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है ना, इसकी ट्विस्टेड पेयर से हाई इसकी बैंडविड्थ होती है। देन वही तीसरे केबल की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ऑप्टिकल फाइबर भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, और ये ट्रांसमिशन सिग्नल जो है लाइट वेव में ट्रेवल करता है। लाइट वेव की स्पीड से ही इसमें जो है ट्रांसमिशन होता है। जितनी तेज लाइट हमारी पास होती है, चलती है, उस तरीके से जो है इसमें डेटा ट्रांसफर होता है। ओनली फॉर द डिजिटल सिग्नल, ये जो है डिजिटल सिग्नल को ही सपोर्ट करता है ना, एनालॉग सिग्नल को ये सपोर्ट नहीं करता है, ओनली डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है ऑप्टिकल फाइबर। केबल आर थिन एंड फ्लेक्सिबल, इसके जो तार होते हैं वो बहुत पतले होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, मोड़ तोड़ सकते हैं, कैसे भी उसको मोड़ सकते हैं और कहीं भी इसको आप ले जा सकते हैं किसी भी पतली जगह पे, है ना। तो इस तरीके की जो केबल होती है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल कहलाती है। सिंगल ऑप्टिकल फाइबर की मोटाई जो है 2 से 125 माइक्रोमीटर तक की इसकी मोटाई होती है। इसकी जो थिकनेस होती है वो जो है 2 से लेकर के 125 माइक्रोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास। ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है ये किस चीज़ से बना हुआ होता है? प्लास्टिक एंड ग्लास से ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये सपोर्ट करता है। एक टर्म होता है हमारे फिजिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर है जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ये सपोर्ट करता है। इसकी स्पीड कितनी हो सकती है अगर आपने ऑप्टिकल फाइबर लगा रखा है? तो 100 Mbps से लेकर के 2 GB/s तक की इसकी स्पीड को सपोर्ट करता है। 100 Mbps से लेकर के 2 GB/s की इसकी स्पीड हो सकती है। तो ऑप्टिकल फाइबर इस तरीके का दिखता है। देन वही वायरलेस मीडिया की बात करें तो उसमें भी कई तरीके के ट्रांसमीडिया होते हैं। जैसे एक रेडियो वेव ट्रांसमिशन होता है ना, रेडियो वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 2 2 के हर्ट्स से लेकर के 1 GHz तक की जो है इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। 3 के हर्ट्स से लेकर के 2 GHz तक की इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। इसकी जो रेंज होती है वो 10 सेंटीमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है रेडियो वेव की, है ना। ऑल्सो क्लियर ऑल बैरियर लाइक माउंटेन एंड बिल्डिंग। अगर रास्ते में कोई माउंटेन आ जाता है, कोई बिल्डिंग आ जाती है, तो उस बैरियर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है रेडियो वेव को, है ना। सेंडिंग द मैसेज इन टेलीग्राम, है ना, जैसे टेलीग्राम पे हम मैसेज भेजते थे तो वो रेडियो वेव का हम इस्तेमाल करते थे। देन वही दूसरे ट्रांसमीडिया की बात करें, दूसरे ट्रांसमिशन की बात करें तो एक माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होता है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 GHz से लेकर के 300 GHz तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है ना। और सेंडर और रिसीवर एक ही लाइन में होने चाहिए, जो सेंडर है और रिसीवर है वो एक ही लाइन में होने चाहिए जब जाकर के हमारा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। नॉट क्लियर ऑल बैरियर लाइक माउंटेन एंड बिल्डिंग। अगर रास्ते में कोई बिल्डिंग्स या माउंटेन इस तरीके की कोई चीज़ें आ जाती हैं तो आपका डेटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता है, सिग्नल लो हो सकता है। तो जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें एक सीधाई की जरूरत पड़ती है ना, सीधा एक होना चाहिए, सीधा मतलब सीधा प्रोपेगेशन होना चाहिए, सीधा सिग्नल होना चाहिए, है ना। सीधा रेखा के लिए एंटीना लगाते हैं। अगर हम सीधा प्रोपगेशन, कोई बीच में बिल्डिंग या कोई बैरियर ना आए तो उसके लिए हम एंटीना का यूज करते हैं। एंटीना किस तरीके का होता है? इस तरीके का एंटीना होता है जो हमारे मोबाइल टावर होते हैं, वो एक एग्जांपल है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का। ऑल्सो यूज रिपीटर फॉर द लो सिग्नल, है ना। और लो सिग्नल को जो है ये बूस्टअप भी करता है, जो हमारे लो सिग्नल हो जाते हैं तो उसको बूस्टअप करने का भी ये काम करते हैं। अब जैसे टेलीफोन हो गया है ना और टेलीविजन प्रसारण हो गया, ये सब जो है इस टावर का यूज करते हैं। देन वही तीसरे कम्युनिकेशन की बात करें तो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या होता है? ये जो है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर एक सैटेलाइट होती है ना, वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑर्बिट में घूमती रहती है ना, और ये जो है पूरे अर्थ को हमारे कवर करती है, ठीक है। ये वीक सिग्नल को स्ट्रांग सिग्नल भी कर देती है, और इसको मेनली यूज किया जाता है टीवी के लिए। मेनली जो आजकल यूज कर रहे हैं इसको हम टीवी के लिए यूज कर रहे हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को, डिश टीवी है ना, इस टाइप की जो टीवी चैनल्स हैं तो उसमें हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, है ना। इसमें 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा सैटेलाइट।
एक होता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन क्या होता है कि ये जो है इंफ्रारेड वेव छोड़ते हैं, इंफ्रारेड वेव छोड़ते हैं। ये बहुत इजी होता है, बहुत लो कॉस्ट होता है और शॉर्ट रेंज में काम करता है, पास की वाली रेंज में जो है ये काम करता है। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो टीवी रिमोट है ना। टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर एक एलईडी लगी हुई होती है, वो क्या होता है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के थ्रू हम टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिमोट कंट्रोल में जो भी हमारा सिग्नल लगा होता है वो कौन सा सिग्नल होता है, वो इंफ्रारेड सिग्नल होता है। देन वही पांचवे कम्युनिकेशन की बात करें तो वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का क्या फुल फॉर्म होता है, वायरलेस फिडेलिटी। इसकी रेंज 100 मीटर तक की होती है, 100 मीटर तक इसको हम सिग्नल भेज सकते हैं, है ना। और इसमें जो एक हॉटस्पॉट होता है, हॉटस्पॉट जहाँ हम सिग्नल भेजते हैं तो वाईफाई उसको कैच कर लेता है। तो जो हॉटस्पॉट का जो रेंज होता है वो 20 मीटर तक का हॉटस्पॉट रेंज होता है। अब जैसे एक सोर्स है, उसने अपना हॉटस्पॉट ऑन किया, उसने ट्रांसमिट किया सिग्नल, तो वायरलेस सिग्नल के थ्रू वो जो है रिसीवर उसको रिसीव कर लेगा, है ना, वाईफाई के थ्रू, और उससे जो है वो अपना इंटरनेट चला सकता है। इसका आविष्कार जो है जॉन ओ सुलीवन, जॉन ओ सुलीवन ने किया था और जॉन डीन ने किया था। जॉन ओ सुलीवन एंड जॉन डीन ने इसको 1991 में इसका आविष्कार किया था। इसमें कौन सा फ्रिक्वेंसी यूज होती है, इसमें रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी यूज होती है और इसमें अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज होती है। कौन सा, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी यूज होती है, और ये कौन सी वेव का यूज करते हैं, रेडियो वेव का यूज करते हैं। देन वही सिक्स ट्रांसमिशन की बात करें तो ब्लूटूथ। ब्लूटूथ भी एक तरीके का हमारा जो है ट्रांसमिशन मीडिया है। इसकी लेंथ होती है 2.5 GHz से लेकर के 2.8 GHz तक की इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, और ये वायरलेस पैन पे काम करते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो हमारे पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं उस पर हमारा जो है ब्लूटूथ काम करता है। ये भी जो है रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं। सो थैंक यू।